जी दे बाणी दे विच बचन हन, कबीर सूख ना यह जुग करहै जो बहुत है मीत, जो चित राखै एक स्यों ते सुख पावै नीत। कदी बंदा सुखी नहीं हो सकता जिहड़ा बहुते मित्र बनावे, कदी किते कदी किते कदी किते। कबीर सूख ना यह जुग करहै जो बहुत है मीत। फिर भगत कबीर साहब जी फरमाते हैं, जो चित रख है एक स्यों, जिहड़े अपना मन एक ते टिका के रखते हैं ना, भी एक नू मनना है, ते सुख पाव है नीत। तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कबीर साहब जी फरमाते हैं, उही सुख प्राप्त करते हैं लोग सुखी ते परलोक सुहेले उन्होंने होंगे हैं जिहड़े एक ते निश्चा रखते हैं। नौवें पातशाह महाराज साहब जी दे बचन है, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। जे एक दी भगती तुहाडे मन दे विच नहीं है, कदी किसे दी भगती करदे हो, कदी किसे मंत्र दा जाप करदे हो, तां महाराज कहिंदे वो इंसान नहीं है, वो तां सूर है। जैसे सूकर सुआन, वो सूर है, वो कुत्ता है, कूकर है, जे एक दी भगती नहीं करदा है। इस करके सारी बाणी दे विच एक नूं जपन दा उपदेश है, साहिब मेरा एको है भाई एको है। श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कलगीधर पातशाह महाराज जी ने बचन उचारण किते ने, बिन एक दूसर नाहे सब रंग रूपन माहे। एक तो बिना दूजा कोई नहीं है, सब रंगा रूपां दे विच उहदी जोत है। तुसी एक दा सिमरन करो, एक वाहिगुरु नूं मन्नो। बिन एक दूसर नाहे सब रंग रूपन माहे, बिन एक दूज ना और जल बा थले सब ठौर। जलां थलां दे विच एक है, तुसी एक दा सिमरन करो। जिन एक सत ना जान सो जून जून परमान। दसवें पातशाह महाराज फरमाउंदे हैं, जिन्हें एक वाहिगुरु नूं सच करके नहीं जाणिया, वह व्यक्ति जूना जूना दे विच भटकदा है। सो कहण तो भाव यही है, सारी बाणी दे विच गुरु साहिब जी ने एक नूं जपन दा उपदेश दिता है, सारे धर्मां दे विच एक नूं जपन दा उपदेश है। भगवत गीता दे विच भी श्री कृष्ण जी ने 6वें अध्याय दे विच अते 25वां श्लोक है, जिस दे विच श्री कृष्ण जी ने एक नूं जपन दा उपदेश दिता है। और श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, शनई शनई रूपर मेद बुद्धिया धृति गृहत्या आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंच दपि चिंतित। इस श्लोक दे विच श्री कृष्ण जी ने एक नूं जपन दा उपदेश दिता और अर्जुन नूं कहा कि शनई शनई रूपर मेद, हौली हौली जिहड़ा साधक पुरुष है उस नूं चाहिदा है शनई शनई रूपर मेद बुद्धिया धृति गृहत्या, अपनी बुद्धि नूं टिका के अते धीरज रख के वैराग रख के, ते फिर धैर्य युक्त बुद्धि से। और श्री कृष्ण जी कहिंदे कि शनई शनई रूपर मेद बुद्धिया धृति गृहत्या आत्म संसम मन कृतवा, अपने मन नूं आत्म संसम परमात्मा विच टिकावे, ना किंच दपी चिंतित, ते रब तो बगैर किसी का सिमरन ना करे, केवल वाहिगुरु का सिमरन करे, परमात्मा का सिमरन करे। अते कुरान शरीफ दे विच भी साध संगत जी एक नूं ही जपन का उपदेश है। अते कुरान शरीफ की सूरतुल बकरह की 163 नंबर आयत दे विच हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमाते हैं कि वा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इस आयत दे विच हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमाते हैं वा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद कि तुसी जे पूजा करनी है तां एक वाहिद एक अल्लाह दी पूजा करो। वा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर अते नहीं योग है इबादत दे कोई दूजा होर। बंदगी तुसी दूजे दी ना करो, एक अल्लाह दी करो। ते वो अल्लाह कौन है? तां कहिंदे हन रहमानुर रहीम, जिहड़ा निहायत रहमत करन वाला है अते रहीम की दयालु है, तरस करन वाला है। तो कहण दा भाव इन्ना ही है, सारे ग्रंथां दे विच इक नूं जपन दा उपदेश है, बस असी इक